अस्सलाम वालेकुम गाइस, कल मोही कप का जो है वो दूसरा मैच स्टार्ट हो चुका है। पहली इनिंग्स है, अनीक सीसी जो है वो बैटिंग कर रही है। अनीक सीसी की जानिब से स्ट्राइक पे जो है वो है हसीब और उनका साथ दे रहे हैं कप्तान उस्मान नॉन स्ट्राइक पे। नॉर्थ प्रॉपर्टीज़ की जानिब से बॉलिंग कर रहे हैं माजद, पहला जो है वो बॉल डालने आए हैं और ये फील्डर काफी तेज है। एक ही रन जो है वो मिलेगा। कप्तान उस्मान जो है वो भी सामने आए हैं माजद के। बहुत ही सनसनीखेज मैच और बहुत ही बड़ा कप, कल मुंह ही कप। लाटा बंद करते देखिए आउट के में बाले नहीं नजर आने। उस्मान जो है वो फेस कर रहे हैं अभी माजिद को। पहले मैच में बहुत ही कमाल की बैटिंग इन्होंने की है, बहुत ही कमाल का जो है वो बाउंसर किया है माजिद ने। बहुत ही जान से बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को जो है जितवाना चाहते हैं, इसलिए जो है वो एड़ी चोटी का जो है वो जोर लगा रहे हैं। एड़ी से तो नहीं पता, चोटी से लाइक लगता है। बहुत ही कमाल का बाउंसर किया था और अभी जो है फिर दोबारा जो है फुल एनर्जी से बॉल कर रहे हैं। बहुत ही कमाल का यॉर्कर किया है, एक अच्छा बॉल बॉलिंग कर रहे हैं उस्मान को। 70 नंबर का प्लेयर है, बहुत अच्छे माजद, बहुत अच्छे लड़के, अच्छी बॉलिंग। इनका लकी नंबर जो है वो 70 है, होंडा 70 नहीं। ये 70 नंबर का प्लेयर है, खिलाड़ी इसको चाय पानी के लिए लग रखा होता है टीम के अंदर, क्योंकि इन्हें इन्हें नंबर वाला प्लेयर ऐसे कम से ही होता टीम। माजिद जो कि बहुत ही एनर्जी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, फुल टॉस बॉल और गैप शॉट था वहां पे, फील्डरों ने जो है वो बहुत ही कमाल की एफर्ट की है और गिर के जो है वो बॉल को रोका है और दो रन। अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए जो है वो वाट से दो रन सेव किए। अरफान भट ने जो है वो डेजर्ट पे मच्छी डाइव लगा के, जी अरफान भट काफी बढ़िया फील्डिंग की अरफान भट ने एंड नवीद ने। फुल टॉस बॉल था, उस्मान इसको सिक्स भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा लेट, बॉल को पास आने दे रहे हैं लेकिन बॉल जो है वो ज्यादा ही करीब आ रहा है। उस्मान को थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा लेकिन बैट्समैन को साथ साथ ये भी जो है वो देखना पड़ता है कि बॉलर कहीं स्लो ही ना फेंक दे बॉल। ये देखे जाते हैं ये स्लो फेंका है बॉल, बहुत कमाल की बॉलिंग की है। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि माजिद अभी जो है वो स्लो फेंकेंगे। जी माजिद के पास काफ़ी वैरायटी है, पहले ओवर की आखिरी बॉल है, अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं और बहुत ही कमाल का जो है वो ओवर फेंक रहे हैं माजिद, पूरी जान से 100% एनर्जी से आए हैं। अच्छा बॉल, शॉर्ट पिच किया था और पीट करवा दिया है। स्कोर कितना हुआ है एक ओवर के इख्तिताम पर हम आपको बताते हैं, अभी आपको स्कोर टैली करके बताते हैं। तीन एक ओवर में तीन रन, बहुत ही कमाल का जो है वो ओवर डाला माजिद ने और तीन ही रन जो है वो दिए हैं। आ चुके हैं बॉलिंग पे हसनैन शाह, एक दुबई का बड़ा नाम, नासरे प्रॉपर्टी की जानिब से बॉलिंग पे आए हैं हसनैन शाह और किसी टीम का नाम अनीक सीसी, अनीक अनीता सीसी की जानिब से अंपायरी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं सागर। वेल ओवर, हाँ ये बहुत कमाल का ओवर किया पहले ओवर के इख्तिताम पर जो है वो तीन रन। दूसरा ओवर जो है वो नॉर्थ प्रॉपर्टीज की जानिब से डालने आए हैं हसनैन शाह और ओवर द विकेट जो है वो बॉलिंग डाल रहे हैं हसीब को और हसीब ने बहुत ही कमाल का लेग की जानिब शॉट लगाया है और
बॉल जो है वो डेन्यूब की 7वीं मंजिल के उत्ते 6 रन्स। बहुत ही खूबसूरत जो है और बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर आसिफ कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और एक दहशत फैला के रखी हुई है इन्होंने आज के दिन में। बॉलरों पर बहुत ही हैवी जो है वो नज़र आ रहे हैं। हसनैन शाह और ये वाइट बॉल, कमेंटेटर को जो है वो बाउंसर हुआ है लेकिन कमेंटेटर बच गए हैं। बहुत ही सनसनी खेज मुकाबला जारी है। एक और वाइट बॉल शाहजी की जानिब से। हाजी साहब कैफल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए ढाडे शहजादे इकबाल भाई। इकबाल भाई जी, इकबाल भाई क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं जी? रमजान मुबारक जी इकबाल भाई। पहले तो आपको सबसे पहले आपको रमजान मुबारक। अभी तक एक ही बॉल हुआ है इस ओवर का और 3 वाइटें हो चुकी हैं। 9 रन से एक ही बॉल पे जो है वो आ चुके हैं। हसनैन शाह जो के टच में नहीं लग रहे। जी इकबाल भाई कभी सज्जे जा रहे हैं, सज्जे के बाद जो है वो 90 और 90 के बाद कभी खब्बे हो रहे हैं। हसनैन शाह का भी सब लगेगा। हसनैन शाह एक और शॉट हवा में स्क्वायर लेग की जानिब और ये 6 रन्स। बहुत ही खूबसूरत शॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया हसीब छाए हुए हैं बॉलर के ऊपर। शुक्र आप सबको भी रमजान मुबारक। खैर शुक्रिया इकबाल भाई आपका। दो बॉल्स पे 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में। पहले ओवर में सिर्फ 3 ही रन आए थे। स्लो किया और बीट कर दिया आसिफ को। बहुत ही खूबसूरत बॉल, बहुत ही कमाल का जो है वो बॉल किया है, काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। चलो हुन स्टार्ट हो जाइए मैं इस हाँ जी बिल्कुल कलमोही कप का दूसरा मैच जड़ा है स्टार्ट हो चुका है। ये मैच कलमोही कप कलमोही सीरीज हो रही है। स्नैच शॉट एक बड़ा नाम। अरे खूबसूरत कमेंट विकेट का, बहुत ही कमाल। हवा में बड़ी ही देर जो है वो गेंद रही है आसमान की तरफ जाती हुई। 6 रन्स। चार बॉल पे 21 रन्स आ चुके हैं। बाल भाई क्या हाल है आपके? कैसे ठीक है आपकी? सब खैरियत है। शॉट एक्स्ट्रा कवर का 6 रन्स। बहुत ही खूबसूरत शॉट ये था एक्स्ट्रा कवर का 6। बहुत ही कमाल का शॉट था। अगर ये सिलेक्टर ये शॉट जो है वो पाकिस्तान के सिलेक्टर देखते तो उन्होंने आसिफ को जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल कर लेना था। आज नूर प्रॉपर्टी बत्ती घर से ही लाई है। आओ जी आज लाइटा घरों ही लिया ने अज। स्नैन शॉट है जुआ जी, कैच भी हो सकता है लेकिन बॉल फील्डर की कौन से दूर गुजारते गिरकर। एक ही रन जो है वो मिलेगा इस बॉल पे। अभी हम 2 ओवर के इख्तिताम पे आपको स्कोर टैली करके बताएंगे। 31 रन्स 2 ओवर के इख्तिताम पर। अच्छा जी 31 की कह रहे ने आज नूर प्रॉपर्टीज बत्ती घर से लाई है तो बैट्समैन छक्के मार रहा है। हाँ जी लाइट बड़ी ज़बरदस्त है इकबाल भाई आज दी। विच कैमरा इज दिस? यस आईफोन 11। नहीं देखा पीसीबी ने इसीलिए इंटरनेशनल सिटी डेन्यूब के सामने खेल रहे हैं। कौन है माजद ओवर करने आया? माजद आ चुके हैं जी। ये हैं जी शाह जी कलमोही कप के लिए 500 दरम इनको खरीदा गया है।
2 ओवर के इख्तिताम पर 31 रन्स और माजद अभी जो है वो ओवर डालने आए हैं और उनको फेस कर रहे हैं हसीब जो कि बहुत ही फॉर्म में आज जो है वो दिख रहे हैं। साकी नहीं का नाम भी लिखा तीसरे ओवर का पहला बॉल स्लो किया और फील्ड करवा दिया है हसीब को। माजिद का आउट भी हो सकते थे, बॉल थोड़ा सा बाहर था इसलिए आउट होने से बचे, बॉल को बीट हुए हसीब। काफ़ी अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान, दोनों टीमों के प्लेयर जो हैं वो पेड प्लेयर और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम को जितवाने के लिए। कलमूही कप ठीक कह रहे हैं, वेह लेने वाला काउंसल किया लेकिन वाइड हुआ है। अच्छा जी नहीं देखा पीसीबी ने, वो कहते व्यूज टू शेयर, कहते पीसीबी ने नहीं देखे ऐसी वजह से सीप जड़ा ना वो डनियू के सामने खेडन दिया। आ गए गर्मियाँ छुपा है सर थे हम भी करके भोली माजद गोली माजद गोली। माजद रन अप के लिए रेडी, बॉल डालने आए हैं, राउंड द विकेट जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं आसिफ को, स्लो किया है अच्छा और एक रन जो है वो मिलेगा। ये है माजद, माजद एक अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, कहना है आ गई गर्मियाँ ते चूपा चुपन है सारे अंबी करके भोली है चुपन अगे यानी के करके भोली ते माजद गोली ते माजद गोली ए चुपा है चुपन है पता नहीं क्या। उस्मान आ गए हैं सामना करेंगे माजद का, माजद जो है वो बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर भी जो है वो उन्होंने 3 रन्स दे के जो है वो निकाला था और अभी दूसरे ओवर में भी जो है वो काफ़ी जान लगा रहे हैं और अच्छा बीट कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग ये है माजद, एक बड़ा नाम अच्छा चुपा गए हम भी। उन मैंने समझ आई है आ गई गर्मियां चुपा गए सारे अंबी करके पोली पोली माजद गोली माजद गोली करके पोली आओ पोली वाइट बॉल चॉकलेट जान माजद लगाते हुए बहुत ही कमाल की जो है वो बैटिंग हो रही है और बॉलिंग भी बहुत ही कमाल की हो रही है और शॉट कर दिया है और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन थे उस्मान के और आई बहुत ज़बरदस्त सेट थी इनकी और बॉल को जो है वो रीड बड़ा जो है वो अच्छा किया और उठा के बहुत ही आसानी से जो है बगैर कदमों के जो है उन्होंने बैट की मदद से सीमा की रेखा को जो है वो पार करवा दिया। हर बॉल पर बैट्समैन को क्या समझ रहा है वाइड शॉट वाला खुद भाई से खेला नहीं जा रहा वाइड शॉट वाला था। केएफसी लगी हाँ जी केएफसी लगी हुई है। माजद अच्छा ओवर कर रहे थे लेकिन बाउंड्री लग गई है
केएफसी ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਐ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਲ ਸ਼ਾਟ ਮਿਡ ਔਨ ਕੀ ਜਾਨਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਟ ਔਰ ਇਹ 6 ਰਨਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਇਹ ਅਭੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਇਸ ਓਵਰ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕੇਐਫਸੀ ਮਸਾਲਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਠ ਪੈਰਾ ਰੋਦਾ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਵੀ ਯਾਰ आखिरी बॉल है तीसरे ओवर का और इसके बाद हम जो है वो आपको स्कोर भी टैली करके बताएंगे। नो बॉल हुई है और दो रन हो सकते हैं। फ्री हिट भी जो है वो आ गया है। उस्मान ही फेस करेंगे, फ्री हिट का एडवांटेज जो है वो उठा सकेंगे कि नहीं। और अभी भी आखिरी बॉल इस ओवर की बाकी है। ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਜਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਠਾਣਾ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਆਰਾਮ ਹੈ ਅਬ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ। ਤੀਸਰੇ ਓਵਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਥੇ ਦੋ ਬਾਲਸ ਪੇ। और एक जो है फ्लिक किया है स्केल लेग की जानी, वहाँ पे फील्डर मौजूद है। दो रन जो है वो आसानी से मिल गए हैं। अभी हम स्कोर जो है वो टैली करके आपको बताते हैं कि कितना हुआ है तीन ओवर के इख्तिताम पर। 51 रन तीन ओवर के इख्तिताम पर। यार सागर पीछे हो जाए यार, नेरा ला यार। इतनी लाइटें लगाने के बावजूद ये नजर नहीं आ रहे। इन्होंने सागर की बदनामी की हुई है। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना नाम चेंज करें। आज तक दुनिया में वो कैमरा ही नहीं बना जो सागर को जो है वीडियो में ले आए। ये हमारे चॉकलेट चन हैं, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी, बहुत ही खूबसूरत। और ये कोयले का मंजन भी करते हैं अपने दांतों को। बहुत ही हंसमुख, मेरे नाल भी कुछ मुख ते मैं जानू जे तवा काली साइड दसे आज आ जो गए बादशाह बॉलिंग पे। कौन सागर हल्ले कीपर के इधर नहा के आया। सेट लाइट सगरो लगी कैमरा स्टेट लाइट। चौथा ओवर शाजी डालने आए हैं और ये लेग का बहुत ही खूबसूरत छक्का आसिफ का। और ये आवाज अभी आपको आई होगी ठा की, जैसे जो है सोडा खुलता है तो ठा ठा की आवाज के साथ जो है वो वहां पे उन्होंने लिखा होता है। अभी जो है वो दूसरा बॉल करेंगे शाजी नोट प्रॉपर्टीज की जानिब से। हसीब उनको घेर रहे हैं और अच्छा बॉल जो है वो किया, अच्छा कम बैक किया है। आई एम थिंकिंग अगर नहीं नहा के आएगा तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे आग ही लग जानी फिर और की होना। मैं तो कहना है शुक्र कर दें। एक और जो है फाइन लेग के जाने बहुत ही लंबा छक्का हसीब ऑन फायर। ओ कुर्सियां तो वाकई थक जाता यार, मैं दूसरी कुर्सियां ले आ दूसरी ही शाहजी थोड़े जो है वो परेशान लग रहे हैं। क्या और ये विकेट जो है वो ले सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो कैच पकड़ा है माजद ने। ये है माजद आउट हो चुके हैं, डेंजरस बैट्समैन। और अभी आए हैं अदनान 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 चॉकलेट चंद हाजी साहब। ए टीम केएफसी दी वेरी है।
नहीं यार यार की साड़ी भी जड़ी बैटिंग लाइन ना थोड़ी मजबूत हो गई है साड़ी बैटिंग लाइन इरफान बट एक मुंडा है बहुत अच्छा आ गया होया और हसनैन शाह है फिर और भी मुंडे है ना यार की हो जाएगा मुकाबला देखांगे मैं तो कहना वहाँ तीन मैच हो मैच बड़े जबरदस्त जालम हो रहे हैं नए आने वाले बैट्समैन जो है वो अदनान है और हवा में लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है वहाँ पे आसानी से जो है वो दो रन मिल गए हैं दुखी थे वहाँ पे वकार शाह अच्छा कम बैक कर लिया इन्होंने हाँ जी ये टूर्नामेंट किधर हो रहा है भाईजान ये जो है वो कलमूही कप हो रहा है दुबई इंटरनेशनल सिटी फ्रंट ऑफ डेन्यूब लास्ट बॉल है चौथे ओवर का अदनान सामना कर रहे हैं वकार शाह को और माजद जो है वो बहुत ही तेज नीचे जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत कैच माजद का क्या ही कमबैक किया है शाह जी ने दो विकेट चार ओवर के इख्तिताम पर हम आपको स्कोर टैली करके बताते हैं 65 रन्स अच्छे कैच पकड़े माजद ने अच्छा जी माजद ने आज एफर्ट किया आज अदनान पूरी केएफसी ले गया ले जाएगा नहीं जी बैक टू पवेलियन हो गया जी ये कौन सी जगह है अच्छा जी पीकेएन नहीं आया पीकेएन पंडित काशीनाथ अच्छा अच्छा विराट बाप रखे चंगा ना रियल में तो हार जाते हो भाई आज वो नहीं आया जी रियल में तो हार जाते हो भाई रियल में मतलब आई भाई चार ओवर के इख्तिताम पर 65 रन्स और अभी जो है नॉर्थ प्रॉपर्टीज की जानिब से पांचवा ओवर डालने के लिए आए हैं शाहान वेरी फास्ट बॉलर हैं ये सिंगल अच्छा शॉट था और आगे फील्डर मौजूद कोई स्कोर नहीं मिला है ये है शाहान शाहान की क्वालिटी नाम ही काफी है शाहान शाहान दूसरी बॉल करने आए शॉर्ट विकेट गया है और अच्छा बॉल जो है वो बीट करवाया है उस्मान को ठीक है चल 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 गुड बॉल जाबा गुड बॉल अच्छा जी कितने ओवर का मैच है भाईजान ये 6 ओवर का मैच है शान एचडी वर्जन नहीं लाइव चल रहा है नहीं वो वाइड दे देना फेसबुक पे केड़ा लाइव है ए सारा YouTube देगा YouTube पे केड़ा गुड बॉल गुड बॉल डीएक्सपी क्रिकेट 1 2 3 शाहान जी नासर अब्राउडी की जाने से बॉलिंग पे है और ये हवा में जो है वो शॉट है फील्डर अब देखते हैं कि कैच मुझे नहीं लगता कि होगा कैच क्या ड्रॉप हो गया लेकिन दो रन जो है वो मिल गए हैं अनिक सीसी को लाइव नहीं आते थे सारे आ जाने लाइव तो टिकटॉक से चलता पे आस्ट लेकिन इन देते भी अपलोड कर देते हाँ जी और ये वाइड बॉल सारे मैच इन देते ही जड़े ना बादशाह 786 हो आएगा नहीं है टिकटॉक पे है उन देते ही लाइव होया आज लाइव होंदे ते भी होया लेकिन वो थोड़ी पिक्सल थोड़ी ज्यादा लेंदा है इस वजह तो उन्हें हाइड किया होया मैं वो फिर बाद चो उन्हें मैं 720 या 1000 तो जिम्मे मर्जी करके फिर आओ यूट्यूब पे सुबह तक कर दोगे आप सुबह ये मैच बड़े पे हुए ने लेकिन कोशिश करांगा इंशाल्लाह जड़ा मैं सुबह कर लूंगा शॉट है मिड ऑन की जाने 6 रन्स स्लो किया था लेकिन फास्ट वन हो गया 6 रन्स कोशिश करांगा कर दूंगा और ये देखें ये इनकी फेवरेट शॉट लगती है बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिया है यहाँ से जो है बहुत ही आसानी से जो है वो सीमा रेखा जो है वो पार करवा देते हैं उस्मान
पांचवें ओवर की आखिरी बॉल है और ये फाइन लेग की जानिब शॉट है। फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। अभी हम आपको जो है वो स्कोर टैली करके बताते हैं। पांच ओवर के इख्तिताम पर 81 रन्स, पांच ओवर के इख्तिताम पर 81 रन्स। लास्ट ओवर अभी देखते हैं कौन डालते हैं आके। तीन मैच होने चाहिए ने हाजी साहब, मजा बड़ा आ रहा है आज ना, टीम चंगी है। जे अगर दो मैच होए ना तो फिर फायदा कोई नहीं। शकील ना दुखी दा मनीब है जड़ा लाल ट्रोजर वाला। अच्छा रफी खान, रफी खान है। साइड दसियो, साइड दसियो, शाबाश। रफी खान आ चुके हैं नजर बाबी की जाने से बॉलिंग डालने के लिए। पहला बॉल डालेंगे अपने ओवर का, लास्ट ओवर है जी। पांच ओवर में जो है 81 रन्स रफी खान आए हैं और फेस कर रहे हैं उस्मान, एक सेट बैट्समैन। दो ओवर दो मैचों में ये लास्ट जो है वो यानी कि अभी तक आउट ही नहीं हुए। दूसरा मैच ये चल रहा है और दूसरे मैच का जो है वो लास्ट ओवर है पहली इनिंग्स का। इतना अच्छा जो है ये बैट्समैन खेल रहा है। की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ताड़ा की हाल है? जबरदस्त हो, सब खैरियत है? कैसे हैं? रमजान कैसा गुजर रहा है? रफी खान ओवर द विकेट जो है वो आएंगे अभी उस्मान को बॉलिंग करने के लिए और ये सिंगल जो है बन सकता था, लेकिन उस्मान ने जो है वो खुद ही जो है वो स्ट्राइक लेने का जो है वो फैसला किया और सिंगल नहीं ली। तेरी यार शर्ट का कलर बड़ा जबरदस्त आ रहा है, शायद लाइट है इन्दे में जैसा हो जाए। आखिरी ओवर की चार बॉल्स अभी भी बाकी हैं और ये अभी जी तीसरा बॉल जो है वो रफी खान जो है वो करने आ रहे हैं। ये चुआ जी और ये कैच ड्रॉप हुआ है। बहुत ही अच्छा बॉल किया था रफी खान ने। किधर वकील जी वजी यार माल नहीं बढ़ना देखो बढ़ना मार रफी खान और बॉल कर दिया कमाल का। ब्यूटीफुल बहुत ही कमाल का। आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट गिव हिम ओवर एंड व्हाई दे ब्रिंग हिम इन द लास्ट टाइम द लास्ट ओवर। आई डोंट नो व्हाई वेयर इज कैप्टेंसी। यस This talent is रमजान नु छड़ो हाजी साहब, केएफसी दा सोचो। हेड पे बाउंसर का एक शेर मिलेगा। अरमान तो लगता है, अफसोस भी लगता है। हामद, ये अपना हामद है भाई। हामद आया अभी। बैट्समैन है, बैट्समैन है अबू बकर जो है वो बैटिंग करने के लिए आए हैं अगले बैट्समैन उस्मान की जगह। और ये जो है एक रन जो है वो मिला है। बहुत ही कमाल का लास्ट ओवर फेंक रहे हैं अबू बकर, सॉरी रफी खान। सिंगर नहीं है जी, वेल बॉल बिकॉज द टॉप बॉलर्स
और पर्ची। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। कितने बड़ा ही बॉल मारता है इन चौके। आखिरी बॉल है और शहजेब खान ज़्यादा जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी को। गुड बॉलिंग, हाँ बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है भाई जान। खान की बहुत ब्यूटीफुल बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग है जी। आखिरी बॉल है छठे ओवर का और ये शॉट हुआ है हवा में और बहुत ही खूबसूरत कैच है वो शान ने किया है और मेरे ख्याल से अभी ओवर हो चुका है और अभी देखते हैं कि कितने रन्स का टारगेट जो है वो नॉर्थ प्रॉपर्टीज को मिला है। लास्ट ओवर यार कितने रन्स का टारगेट है? 89 रन्स का टारगेट है 6 ओवर्स में नॉर्थ प्रॉपर्टीज को। 89 हाउ डू यू टच द फोन? आई एम नॉट टचिंग द फोन। गुड बॉलिंग। Oh no! रफी खान ने वंस अगेन गुड बॉलिंग। दैट्स राइट, ही डिड वेरी नाइस, वेरी गुड एंड गॉर्जियस बॉलिंग। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। हाँ जी बिल्कुल जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, 5 मिनट बाद आ जाना यार। अच्छा भाई जान जल्दी से फॉलो कर ले, हम 5 मिनट के बाद जो है वो आपको मिलते हैं जब अगली इनिंग्स जो है वो स्टार्ट होगी। अभी हम जो है वो पॉज कर देंगे और इसको जो है वो बंद कर देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम भाई। लोकेशन बता दें भाईजान, ये लोकेशन है दुबई इंटरनेशनल सिटी डेन्यू के सामने। जल्दी से जो है वो फॉलो कर लें। मैं इसको जो है वो स्विच ऑफ कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ और 5 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। द वीडियो इज़ अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन है ओके, आई विल डू सेट इट after that inshallah when I will come for the next innings. So I will do, you know, but how I can do that, I will do my best, no problem.